सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है। कल रात को हमारे आला कमान ने राजकुमार जी रणवा को प्रत्याशी घोषित किया, सब लोगों को इतना हुई नहीं, सिर्फ समाचार पत्रों में समाचार आपने पढ़ा और भारतीय जनता पार्टी के दूत के रूप में आप दूर दराज गांव ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से चलकर आ गए। भैया, मैं लंबे समय से इस जिले के अंदर राजनीति में हूं, 35 साल से विधानसभा में हूं। राजनीति में रहने वाले व्यक्ति हम सेवा की बात भी करते हैं, हम समर्पण की बात भी करते हैं, पर राजकुमार जी रणवा इस जिले का ऐसा व्यक्तित्व है जो अध्यात्म से जुड़ा है, भगत और भक्ति से जुड़े हैं, सेवा से जुड़े हैं, ईमानदारी और समर्पण के भाव और अपनी निष्ठाओं के भाव जिनके मन में है। अभी मुझसे पहले कुछ वक्ताओं ने कुछ बात कही होगी, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के पास सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता का है। जो पद आपके पास की है, जो पद मेरे पास की है, मुझे पार्टी ने कहा इस बार आप अपनी परंपरागत सीट को छोड़ो और तारानगर से चुनाव लड़ो। तारानगर में मेरा छोटा भाई हरलाल साहब चुनावी दंगल में है, चूरू में हरलाल साहब चुनावी दंगल में है, एक बार भी मुड़कर आला कमान से सवाल नहीं किया। हम लोग सत्ता बदलने से पहले व्यवस्था बदलने के हामी लोग हैं। हम लोग एक मिशन के साथ, एक ध्येय के साथ, एक रीति के साथ पार्टी से जुड़े हैं। दुनिया के लोग आज हमारी पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता मानते हैं। हम उन्हीं मोदी जी के दूत हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर, 9 साल के कार्यकाल में इस भारत को विश्व गुरु का खिताब मिले, दुनिया के अंदर भारत की चमक और धमक हमने देखी है। मुझे नरेंद्र मोदी जी के दूत हैं जिन्होंने किसी किसान ने बात नहीं की, किसान का सम्मान हो इसलिए किसान के खाते में बिना मांगे सम्मान निधि पहुंचाने का काम किया है। हम उसी मोदी जी के दूत हैं जिन्होंने आराध्य देव भगवान राम के मंदिर के निर्माण में हमारी अभिलाषाओं को पूरा किया है। अब दिसंबर के महीने में वो समय आ रहा है जब रामलला का मंदिर में रामलला को बराजे में हम देखेंगे। इसलिए भाइयों, इस लूट और झूठ की राजस्थान की सरकार की विदाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे थे। हम जन आक्रोश रैली के माध्यम से, जब बिजली नहीं थी, पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा था, विकास के नाम पर लूट हो रही थी, नौजवानों के अरमानों को तोड़ा जा रहा था, पेपर लीक होकर कांग्रेस की सरकार की सरपरस्ती में जब नौकरियां लूटी जा रही थी, जब सुबह से शाम होने पर 17 हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, तब हम आक्रोश व्यक्त करने के लिए गांव की चौपाल में गए, आप उसके साक्षी बने। इसी जगह पर मंच लगाकर मंच पर बैठे नेताओं ने परिवर्तन का आगाज किया था, ये संकल्प लिया था हम इस कुराज को, इस कुशासन को उखाड़ के फेंकेंगे। जिस सरकार ने किसानों के अरमानों को तोड़ा, किसानों की फसल
जिस सरकार ने फसल का मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा का मुआवजा नहीं दिया, जिस सरकार के चलते कर्जा माफी के धोखे में आकर किसानों की जमीन बिकी, जिस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते का छोटा बात कहकर नौकरियों को लूटने का काम किया, हम सब लोगों ने संकल्प लिया था दहशतगर्दी के इस वातावरण को खत्म करने के लिए। हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता आएंगे, आज जो उम्मीदवार हैं, हम उसमें निमित्त पात्र हैं। हमारा उम्मीदवार तो कमल का फूल है, हमारे उम्मीदवार तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। हमारा वोट इस व्यवस्था और सरकार परिवर्तन के लिए नरेंद्र मोदी जी के कमल के फूल का वोट है। कौन उम्मीदवार आया, कौन उम्मीदवार नहीं आया, ये हमारे सबके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, और आप लोगों ने 12 महीने पहले जो चुनाव हुए, हम इसी जगह से बोल रहे थे, उस समय सपनों की दुकान सजी थी। इस सरदार सर में गली गली में मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, कहीं सड़क ले लो वोट दे दो, कहीं नाली ले लो वोट दे दो, खंबा ले लो वोट दे दो, यहां में बिजली घर बना देंगे वोट दे दो, क्या क्या बातें की आपसे। और आपने सहानुभूति की लहर पर जिस व्यक्ति को जिताया, वो मां की बात करते हैं, मां को मां की बात कहकर ललकारते हैं। हम साक्षात बात जीत गए, हमारी बात में अहंकार नहीं। ये जनता जनार्दन है, राजाओं का राज नहीं, ये लोकतंत्र है। लोग बनाते हैं तंत्र को, ऐसा अहंकार, ऐसी कमीशन खोरी, इस प्रकार की बातें आज उनको छोड़ छोड़ कर लोग जा रहे हैं। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो गई सरदार सर की, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, कहां है कांग्रेस। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, चूक मत कर देना, उपचुनाव का बदला लेना है। इसे कमल का फूल खिले कई वर्ष हो गए, हमारे नेता जो आज मंच पर नहीं है, आप मानकर चले शरीर गुस्सा हो सकता है, सड़क दर्द हो सकता है, जिन लोगों ने अपना जीवन इस पार्टी को दिया, जिन लोगों ने पार्षद से लेकर विधायक तक का चुनाव लड़ा, जो हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों में बैठे हैं, कोई हमसे अलग जाने वाला नहीं है, सारे इसी मंच पर आएंगे। हमारा परिवार इतना कमजोर नहीं है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं कि कहीं ये मनसूबा मत बना लेना कि बिल्ली के भाग का छीका टूट जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की फौजें हैं, नरेंद्र मोदी की फौजें हैं, नरेंद्र मोदी की फौजें। जब खंडक की लड़ाई होती है, जब आमने सामने की लड़ाई होती है, जब कमल के फूल को कोई ललकारता है, उसने सारी फौजें अपने मोर्चे पर आ सकती है। आपने देखा होगा हमारे गांव में भी फौजी कई बार मोर्चे से निकलकर घर में आता है, छुट्टी आता है। ये 24 घंटों की छुट्टी हमारे कार्यकर्ताओं ने ले रखी है, 24 घंटे बाद सब लोग इसी मंच पर रहेंगे। हम सब लोग मिलकर हमारी राजनीति में आप सौभाग्यशाली हो, राजकुमार जी नरवा खान मंत्री रहे, रतनगढ़ से विधायक रहे, रतनगढ़ भी के 9 ग्राम पंचायत भी इसी विधानसभा का हिस्सा है, कौन बाहरी कौन अंदर, 11 ग्राम पंचायत इसी विधानसभा का हिस्सा है। इसलिए इन अफवाहों में आने की जरूरत नहीं। मैं तो यही कहूंगा, दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई देता है, आने वाले का बोलबाला है और जाने वाले का मुकाला है। इस जिले के अंदर दीवार पर लिखा देना, पहले चेचक के रोगी के लिए लिखा जाता था, 1000 रुपए इनाम पाओगे चेचक का रोगी बताओ, या लिख देना चूरू जिले में
कांग्रेस का विधायक बताओ 1 लाख रुपए इनाम पाओ। इनका सुपड़ा साफ होना है। राजेंद्र राठौर, राजेंद्र राठौर, राजेंद्र राठौर। आने वाली सरकार में इस सरदार सर का हिस्सा तय करने का काम आपको करना है। मैं जुम्मारी से कहता हूँ, इस मंच पर खड़ा होकर कहता हूँ, दो तिहाई बहुमत, 160 से लेकर 175 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जीतेगी, जीतेगी। और उसमें एक सीट हमारी राजनीति में सरलता की मूर्ति, सज्जनता की मूर्ति, अध्यात्म की मूर्ति, और जिनके बारे में लोग कहते हैं जो की क्यों दर्दी चदरिया, जिनकी चादर पर कोई दाग नहीं लगा सका, ऐसे राजकुमार शर्मा जी को हमने मैदान में उतारा है। राजकुमार जी रणवा निमित्त मात्र है हमारे, हमें अहंकार का मर्दन करना है, हमें उस अहंकार को तोड़ना है जो आपके स्थानीय विधायक के मुख से निकला है। आज क्या कारण है, भाई राजकरण जी ने कांग्रेस के चेयरमैन के रूप में पिछले चुनाव में गली गली गए, गांव गांव गए, और इस बार उनसे रूठ कर अलग खड़े हैं। क्यों रूठ कर खड़े हैं? एक ईमानदार आदमी नगर पालिका चलाए और नगर पालिका में कट मनी कितनी की दे, ये झगड़ा उस बात का है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक एक करके जब नाव के अंदर छेद होता है तो समझदार आदमी उतरना प्रारंभ कर देते हैं। कांग्रेस के नाव में बड़ा छेद है, इस नाव को डूबना है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं, कल से ही राजकुमार जी रणवा के गोले प्रारंभ हो जाएंगे। हम सब मिलकर गांव की चौपाल पर, गली के नुक्कड़ पर नरेंद्र मोदी जी के सोल्जर बनकर, कमल के फूल को हाथ में लेकर, क्योंकि हम एक निष्ठाओं के साथ पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी हमारी माँ है, हम अपनी माँ को कमजोर नहीं होने देंगे। गली में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, मैं भी आऊंगा। अभी मैंने मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में दौरे प्रारंभ किए हैं, मेरे दौरे पूरे होते ही मैं भी सरदार सर की गली मोहल्ले में आऊंगा। हम सब मिलकर रणवा जी को जिताएंगे। आप सब लोग अगर मेरी हाथ से सहमत हो, हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, काम रणवा जी को जिताने में कोई कसर नहीं रखेंगे। और मैं इन खड़े हुए हाथों को एक ही बात कहता हूँ, आपके अहसंग के हाथों में हमारे भी दो हाथ शामिल कर लेना, और जब कभी हाथ कटने की बारी आएगी तो पहले हमारे दो हाथ कटेंगे, फिर आपके हाथ में जाएंगे। सब जने मिलकर इस संकल्प को दोहराएं और भारतीय जनता पार्टी को सरदार से जिताने का संकल्प लेकर जाएं, यही मुझे निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी अभी सूचना मिली है, हमारे बीच में पुनर्जी पारी गए, वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल।